बड़े बड़े ब्रिज, मेट्रो लाइन और बिल्डिंग निर्माण में जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है, अब उसी तकनीक का इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए भी किया जाएगा। यानी कि सड़क अब फैक्ट्रियों में बनेगी, ना कि सड़कों पर। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि ब्लॉक्स को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाएगा और उन्हें सड़क पर असेंबल किया जाएगा। सड़क निर्माण में रबर और प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए नोटिफिकेशन लाने की भी तैयारी है। रोड अब रोड पर बनाने के बजाय फैक्ट्री में बने, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रीकास्ट के बड़े बड़े ब्लॉक्स तैयार होकर केवल रोड में जाके रख दे और बाद में उसको जोड़ दे, तो रोड एक दिन में रात में बन सकता है। उससे स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम, मेरे अंदाज से 30-40% कॉस्ट कम हो सकती है अगर वो फैक्ट्री में बनेगा तो। और सबको होकर 6 महीने के अंदर किसी को कोई नाके पर रुकना नहीं पड़ेगा और पूरी तरह से सिमलेस ट्रैफिक जाएगा, ये इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो रिफॉर्म है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, ये निश्चित रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स के बराबर है।